नमस्कार दोस्तों, मोशन मास्टर स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम वासुदेव है। आज हम करने जा रहे हैं वायरलेस माइक्रोफोन वेरोमैक्स 001 का रिव्यू। वीडियो बनाने के पहले मैंने और भी रिव्यू किए, मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे, जैसे बोया, होली लैंड, ग्रेनैरो, डिजिटेक, लेकिन आखिर में मुझे यही माइक्रोफोन पसंद आया। इस माइक्रोफोन को पसंद करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जो कि मैं धीरे धीरे सारे पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि मेरे जैसे यूट्यूबर के लिए ये क्यों अच्छा है। थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। मैं यूट्यूब को यूज़ करते हुए मुझे करीब 18 साल हो चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, धीरे धीरे रिकॉर्डिंग करने की भी कोशिश कर रहा हूं, और अगर रिकॉर्डिंग अच्छी हुई तो बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा रिव्यू थोड़ा अलग लगे आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेकी नहीं हूं और मेरे रिव्यू किसी यूज़र की दृष्टिकोण से होंगे, यानी किसी भी यूज़र को इस डिवाइस को यूज़ करने में क्या अच्छा लगता है, मैं वो बताने की कोशिश करूँगा क्यों मुझे ये डिवाइस पसंद आई, क्यों मैंने उसको ख़रीदा। वैसे मैं बता दूं कि आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2024 और आज सुबह ही ये डिवाइस मेरे घर पे अमेज़न ने डिलीवर की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद प्रोडक्ट को अनबॉक्स करूंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली वो दिखाऊंगा और उसके फीचर्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहला फीचर है इसकी रेंज, जो 50 मीटर की होती है, वो काफ़ी होती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा भी मौका आएगा जब मैं अपने फ़ोन से 50 मीटर की दूरी से बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर मुझे अपने लैपटॉप के सामने ही बैठ के बात करने में कंफर्टेबल लगता है। दूसरा फीचर है इसकी 40 घंटे की बैटरी लाइफ। इसका जो चार्जर बॉक्स है वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। आप चाहे तो इसको बॉक्स में रखकर चार्ज कर सकते हैं या फिर एक माइक्रोफोन को सिंगली भी चार्ज कर सकते हैं चार्जर लगा के। तीसरा फीचर यह है कि ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। आपको अपने फ़ोन के साथ या फिर अपने लैपटॉप के साथ इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ब्लूटूथ पेयरिंग नहीं करनी पड़ती है। जैसे ही आपने इसका जो अडैप्टर है वो अपने लैपटॉप पे या फिर अपने फ़ोन के साथ सी पोर्ट पे लगाया, वो तभी ये इसका सिग्नल पकड़ लेता है और दोनों ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। चौथा फीचर ये है कि एक ही बटन से आपको ANC फीचर मिल जाती है। ANC का मतलब है ऑटोमेटिक नॉइज़ कैंसिलेशन। एक बार अगर आपने इसको दबा दिया तो कभी आप बिना ANC रिकॉर्डिंग आप कभी करेंगे नहीं, क्योंकि इतनी ही क्लैरिटी आपको मिल जाएगी साउंड में। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर रिव्यू बनाया है, लेकिन मेरा रिव्यू थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं गैजेट्स के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी लेता हूँ। पांचवा और अंतिम फीचर ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है किसी भी फ़ोन के साथ और किसी भी लैपटॉप के साथ, चाहे वो वीडियोज़ हो या फिर एप्पल लैपटॉप हो। चलिए, ये तो हो गई फीचर्स की बात। इसके बाद में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, या फिर मेरे निजी दृष्टिकोण से मैंने किस तरह से इसको देखा और यूज़ करने के बाद मुझे कैसा लगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे रिव्यूज़ तो बहुत मिल गए होंगे आपको जो इसकी बेसिक फ़ीचर्स को आपके सामने लेके आए होंगे, लेकिन यूज़ करने के बाद कौन कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी लगेगी या फिर आपको लगेगा कि आपने जितना खर्चा किया है इसके ऊपर वो एकदम ठीक ठाक मूल्य है इसका। चलिए दोस्तों, बॉक्स को खोला जाए। सबसे पहले इसका पैकेट, इसको मैं थोड़ा काट लेता हूँ, उसके बाद हाथ से खोलना ही ज़्यादा सही रहता है बस। और मुझे गैजेट्स के बॉक्सेस बहुत बढ़िया लगते हैं, कलरफुल, बहुत ही नीटली पैक्ड, नीटली डिज़ाइंड बॉक्सेस। मैं बहुत दिनों तक मेरे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स के बॉक्सेस होते हैं वो मेरे पास पड़े रहते हैं, अच्छे लगते हैं।
कभी भी ऐसा लगा कि मुझे फ़ोन बदलना है तो मैं वापस अपने पुराने फ़ोन्स को उन्हीं बॉक्सेस में रख देता हूँ। वेलोमैक्स का बॉक्स भी बहुत ही बढ़िया है, और अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो ये भी बहुत ही जल्दी हमारे देश में एक ब्रांड बन जाएगा। ये चार्जर बॉक्स है जिसको मैं धीरे से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही टाइटली पैक्ड है और मुझे लगता है प्लास्टिक के साथ निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ, अब इसको पीछे से ढकेलने से ये निकल के आ जाएगा। बढ़िया। दूसरे बॉक्स में इसके केबल्स हैं जो सी टाइप केबल्स होती हैं, सी टाइप एक तरफ सी टाइप और दूसरी तरफ यूएसबी केबल्स चार्जिंग करने के लिए हमको दी जाती हैं, वो सी टाइप केबल्स उस बॉक्स में हैं। इस बॉक्स को मैं आराम से फिर से पैक करके रख देता हूँ, और सबसे पहले चलिए देखते हैं चार्जर बॉक्स को। बहुत ही बढ़िया चार्जर बॉक्स है, एकदम सॉलिड डिज़ाइन है, थोड़ा सा वेट भी है इसका, और टच करने से पता चलता है कि बहुत ही स्मार्ट डिज़ाइन है। मतलब बहुत सोच समझ के रिसर्च करके बनाई गई चीज़ है, और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। ये सारे माइक्रोफोन्स हैं, दो माइक्रोफोन्स हैं और उसके साथ ये एक अडाप्टर है, अडाप्टर कह लीजिए या फिर डोंगल कह लीजिए, और ये अडाप्टर पसंद है। और ये जो बॉक्स है, आगे एक एलईडी पैनल है जिस पे आपको बाद में मैं दिखाऊंगा कि उस पे किस तरह से आपको पता चलेगा कितना चार्ज बाकी है उसमें। और ये जो डोंगल है इसको मैं अपने लैपटॉप के साथ लगा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो मैं अपने फ़ोन से ले रहा हूँ, और मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, तो साफ करने की कोशिश करता हूँ। मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है और मैंने अपना जो वायरलेस माइक्रोफोन है वो अपने उसका जो अडाप्टर है वो मैंने अपने फ़ोन में लगा लिया है, और मैं अभी माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ। आप सुन के बताइए कि आपको कितना साफ कितनी साफ मेरी आवाज़ आ रही है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, फ़ोन को इस वीडियो को पॉज करके मैं जो अडाप्टर है उसको मैं अपने लैपटॉप से लगाऊँगा। तो ये है मेरा लैपटॉप, और मैं अभी अपने अडाप्टर को खोल के अपने लैपटॉप से लगाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने जो अडाप्टर है जैसे मैंने पहले बताया था वो मैंने अपने लैपटॉप के साथ लगा दिया है, और इंडिकेटर बता रहा है कि वो अभी सिर्फ एक माइक्रोफोन के साथ कनेक्टेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक लाइट जल रही है, दूसरी लाइट नहीं जल रही है क्योंकि मैंने उसको डिब्बे में उतार के रखा है। ये है दूसरा माइक्रोफोन, और जो माइक्रोफोन कनेक्टेड है वो मेरे शर्ट के बटन के साथ लगा हुआ है। तो अभी हम रिकॉर्डिंग हम चालू करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे उससे पहले, क्योंकि अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है वो मेरे एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए आ रही है। इसके बाद मैं इसका जो साउंड है वो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। ये एडवांस स्क्रीन रिकॉर्डर है जो सॉफ्टवेयर मैंने खरीदी हुई है, और इस पे मैं अभी रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। ये ऑलरेडी आपको दिखा रहा है कि ये इसको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़, रिकॉर्डिंग चालू नहीं है, तो ये ऑडियो रिकॉर्ड है, और मैं इसको रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। और ये बता रहे सिस्टम साउंड नन, माइक्रोफोन सी मीडिया ऑडियो चालू है, और ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे मैं दबाता हूँ।
तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है अभी चालू हो गई है, ये मेरे माइक्रोफोन के ज़रिए इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। पीछे से बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, मुझे बताइए कि आपको वो सुनाई दे रही है कि नहीं। और मैंने अभी तक इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन का बटन है वो नहीं दबाया है। अगर कोई भी फ़र्क आपको पता चले तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि कोई नॉइज़ कैंसिलेशन से कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मैं अभी नॉइज़ कैंसिलेशन दबाने जा रहा हूँ। मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन दबा दी है और अभी इस वीडियो में तो आपको सुनाई नहीं देगा, जब तक मैं अपने लैपटॉप वाला ऑडियो आपको नहीं सुनाता हूँ तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके आपको सुनाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की है। ओके, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है अभी चालू हो गई है, ये मेरे माइक्रोफोन के ज़रिए इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। पीछे से बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, मुझे बताइए कि आपको सुनाई दे रही है कि नहीं। और मैंने अभी तक इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन का बटन है वो नहीं दबाया है। अगर कोई भी फ़र्क आपको पता चले तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि कोई नॉइज़ कैंसिलेशन से कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मैं अभी नॉइज़ कैंसिलेशन दबाने जा रहा हूँ। मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन दबा दी है और अभी इस वीडियो में तो आपको सुनाई नहीं देगा, जब तक मैं अपने लैपटॉप वाला ऑडियो आपको नहीं सुनाता हूँ तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके आपको सुनाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की है। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है अभी चालू हो गई है, ये मेरे माइक्रोफोन के ज़रिए इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। पीछे से बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, मुझे बताइए कि आपको सुनाई दे रही है कि नहीं। तो ये मेरी रिकॉर्डिंग थी, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क मुझे पता चला, पहले जो मैंने साउंड रिकॉर्डिंग की थी विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन और आफ्टर नॉइज़ कैंसिलेशन, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है। और वीडियो बनाते वक्त भी शायद मैं इसका फ़ायदा उठा पाऊँगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो और मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए अपने वीडियोस में, रिव्यू करते वक्त मुझे बताइएगा। अभी आज पहला ही दिन है, मैं इसको यूज़ करूँगा और यूज़ करने के 10 दिन के बाद फिर से एक रिव्यू बताऊँगा कि कैसा चल रहा है। और भी नए नए गैजेट्स लाता रहूँगा और रिव्यूज़ बताता रहूँगा आपको। आप बताइएगा कि किस तरह से मैं अपने वीडियोस को और अच्छी तरह से आपके सामने पेश कर सकूँ। थैंक यू।